उधर यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों पर जमकर पुलिसिया कहर बरपा। पुलिस वालों ने छात्रों पर जमकर लाठियां फटकारी। दरअसल एबीवीपी के छात्र आजाद पार्क से लोक सेवा आयोग तक जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास रोक लिया और छात्रों को गिरफ्तार करने लगे। विरोध करने पर पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठीचार्ज किया और जबरन वाहनों में खदेड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान एबीवीपी की एक छात्रा के साथ बदसलूकी भी की। छात्रा का कहना है कि महिला पुलिस वालों के बजाय जेंट्स पुलिस वालों ने ही उसे पकड़ा और जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इलाहाबाद में। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ता यूपीपीसीएस हमले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया है, लाठी चार्ज किया है। एक महिला एबीवीपी कार्यकर्ता ने यह आरोप भी लगाया है कि जो पुलिस कर्मी थे, जेंट्स पुलिस कर्मी ही जबरदस्ती करने लगे और आखिरकार बदसलूकी भी की गई है। जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं, जमकर हंगामा हुआ है। इलाहाबाद में हिंदू हॉस्टल चौराहे के पास इन कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया था, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया था। इसके बाद जमकर उन पर बल प्रयोग किया गया, लाठियां बरसाई गईं और इनमें एक एबीवीपी की छात्रा कार्यकर्ता ने भी गंभीर आरोप लगाए पुलिसकर्मियों पर। इनको रोका गया चेतावनी दे करके और आगे बढ़ने का प्रयास करने के बाद इनको सख्ती से रोका गया और इनकी गिरफ्तारी की गई।